आंकड़ों में आप देखिए केसेस किस गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालात महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खराब है, वहां पर तो लॉकडाउन पर बीते कई दिनों से स्टेटमेंट्स भी मुख्यमंत्री की तरफ से कई बार दिए गए कि अगर हालात बेहतर नहीं होते तो फिर कड़े फैसले के तौर पर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। और इस बीच सियासत भी, लेकिन सरकार कह रही है कि यह सख्ती का वक्त है। नए केसेस की तादाद 63,000 से ज्यादा महाराष्ट्र में है, यह अब तक का सबसे ज्यादा नंबर है। महाराष्ट्र में 339 लोगों की कल मौत हो गई और यही वजह है कि अलग अलग हिस्सों में महाराष्ट्र के स्थानीय प्रशासन ने अपने हिसाब से वहां पर सख्ती के फैसले लिए हैं। डेथ्स रिपोर्ट हुई है 270 दिनों के बाद मुंबई में इतनी ज्यादा कोविड डेथ्स रिपोर्ट हो रही है। हालांकि जो आंकड़े पॉजिटिव लोगों के सामने आ रहे हैं उसमें सिर्फ 0.5% डेथ थे, लेकिन ये डेथ आगे जाकर के बढ़ने का आशंका एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से जताई जा रही है। अभी आज मंडे का दिन है, मुंबई में लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन करने के लिए डिस्कशंस गवर्नमेंट के शुरू है। लोग इस वक्त आप देखेंगे जो अपने काम के लिए निकले हैं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि 1 से 2 दिन में महाराष्ट्र में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो सकता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने इस बात को लेकर साफ तौर पर इशारा दे दिया है। अब आने वाले दिनों में केसेस को रोकने के लिए लॉकडाउन एक सॉल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के सामने लग रहा है, क्योंकि जो डेथ रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र में मुंबई में अस्पतालों में बेड्स नहीं बचे हैं। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। हमारे को वैक्सीन हमारे जो डिमांड है उस हिसाब से देना चाहिए, इतनी ही रास्त मांगनी हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से है। और उसके बाद 25 से लेकर 40-45 तक के जो भी पॉपुलेशन का जो गट है उनको भी वैक्सीनेट करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे इन्फेक्ट हुए हुआ जो एज ग्रुप है वो इसी ग्रुप का है। अगर हमारे को इन्फेक्शन रोकना है, ब्रेक द चेन करना है और हमारे को सही माने अच्छा रिजल्ट लाना है और कोरोना को हदबार करना है, तो ये जो इन्फेक्शियस, ये जो इन्फेक्टेड ग्रुप है या ज्यादा कर घूमने वाला ग्रुप है, मुझे लगता है उनको वैक्सीनेट करना भी जरूरी है।